हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो स्टूडेंट, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी हैव डिस्कस्ड एक्सरसाइज 3.3, ओके? एंड आई टोल्ड यू दैट इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल टेल यू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ओके? सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3। सो दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है? तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? So student, first you should know what is trigonometric equation. You can write the definition. A trigonometric equation are the equation in which trigonometric functions have unknown angles. ठीक है? I'm going to repeat the definition one more time. Trigonometric equations are known as those equations in which trigonometric function has some unknown angles, ठीक है? अब इसको समझें कैसे? तो देखो, for example, अगर मैंने लिखा यहाँ पे sin theta equal to root 3/2, suppose, तो देखो यहाँ पे theta की value unknown है ना? क्या ये equation नहीं है? ये equation है, क्योंकि ये trigonometric function इसमें use हुआ है, इसलिए इसको trigonometric equation बोलते हैं। क्यों trigonometric equation बोलते हैं? क्योंकि हमको ही पता है इक्वेशन में दो साइड होती है, यहाँ पर भी है LHS RHS। हमको पता है कि इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल होता है, जो हम लोग पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन जो भी पढ़ते थे, उसमें कुछ अननोन वेरिएबल होते थे जिसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी होती थी। तो सेम यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, सो दैट्स व्हाई साइन, और यहाँ पे थीटा अननोन है ना, और इसी साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? रूट 3/2 की। तो ये भी एक तरह का इक्वेशन ही हुआ, लेकिन चूंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हुए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है? तो जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वो इक्वेशन होते हैं जिसमें एक अननोन एंगल होता है और उसको उसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2, तो थीटा के किस वैल्यू में साइन की वैल्यू रूट 3/2 आती है? तो आपको ये पता है 60 डिग्री या π/3, ठीक है? अच्छा, अब देखो स्टूडेंट, जब हम किसी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमको वहां पे दो तरह के सोल्यूशन मिलते हैं। एक मिलता है प्रिंसिपल सोल्यूशन, एक मिलता है प्रिंसिपल सोल्यूशन, और एक मिलता है जनरल सोल्यूशन, ठीक है? अब ये समझेंगे कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है और जनरल सोल्यूशन क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मान लो इसी को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है? तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय थ्री, लिख सकते हैं ना ये, ठीक है? इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय थ्री, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 होती है, ठीक है? लेकिन एक बात बताओ, क्या कोई और एंगल हो सकता है जिसमें रूट थ्री बाय टू ही मिले? तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो साइन फंक्शन होता है और जो कॉस फंक्शन होता है, मतलब कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है? और मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉस के केस में वैल्यूज जो होती हैं वो 2 पाई एंगल के बाद अपने आप को रिपीट करने लगती हैं। मतलब कि जैसे ही आप 360 का रोटेशन कंप्लीट करोगे, फिर से वही सारी वैल्यूज आने लगती हैं। मतलब कि एक चक्कर, दो चक्कर, कितना भी चक्कर लगाओ, 360 डिग्री के बाद वो सारे एंगल्स अपने आप को रिपीट करने लगते हैं। इसीलिए साइन कॉस टेन एक्सेट्रा को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि साइन और कॉस का 2 पाई होता है और टेन का पाई होता है, ठीक है? उसका ग्राफ बचा हुआ है, वो मैं बता दूंगा, लेकिन इतना याद रखो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और इनकी वैल्यूज 360 के रोटेशन पे सेम रिपीट होती रहती है, ठीक है? तो प्रिंसिपल सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें एंगल 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आए, जिसमें एंगल 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आए, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। आप चाहो तो लिख सकते हो इन प्रिंसिपल सोल्यूशंस आर दोस सोल्यूशंस इन विच थीटा lies between 0 degree and 0 to 360 degree, ठीक है? मतलब कि principal solution वो solution होता है जिसमें theta की value कहां से कहां तक के बीच में होती है, 0 से लेकर 360 के बीच में होती है। अब देखो,
आपने जैसे पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो किसी भी इक्वेशन का या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो नो सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, क्लास 10th में पढ़ा था आपने। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमेशा इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे, ठीक है, हमेशा इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि 360 डिग्री के बाद से वही सारी वैल्यूज रिपीट होती रहती है, ठीक है। इसका मतलब जो वैल्यू 60 पे आएगी वही वैल्यू 420 पे आएगी, वही वैल्यू 780 पे आएगी, वही वैल्यू 1140 पे आएगी, मतलब कि सब कुछ 360 के बाद से सेम आने लगता है, देख रहे हो ना। तो कितना भी रोटेशन आप ले सकते हो ना, यानी कि इनफाइनाइट रोटेशन ले सकते हो आप। इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, ठीक है। और प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सोल्यूशन हमेशा 0 से 360 डिग्री के बीच में होगा, और जनरल सोल्यूशन में सारे सोल्यूशन आ जाते हैं, उसमें जनरल सोल्यूशन के अंदर प्रिंसिपल सोल्यूशन भी आता है। तो हमको जब सोल्यूशन क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हमें दो तरह का सोल्यूशन निकालने को पूछा जाएगा, पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन और दूसरा जनरल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, वो एंगल निकालोगे जो 0 से 360 के बीच में हो, और जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दो, चलो इसका मान लो इसका मुझे प्रिंसिपल सोल्यूशन बताना है। ये आप लिख लेना कि प्रिंसिपल सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन इन विच थीटा लाइज बिटवीन 0 टू 360। इसको अगर सिंबल में लिखा जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 360 या 360 के जगह 2π, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, और 0 डिग्री थीटा 2π, ठीक है। ये होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन, हमेशा इसी के बीच में लाई करेगा, और जनरल सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, मान लो मुझे इसी को सॉल्व करना है, स्टूडेंट समझना, ये थोड़ा बहुत इजी है। जैसे कि मान लो मुझे यही सॉल्व करना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3, ठीक है, लिखा। अब मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा और किसके बराबर होता है? जैसे कि यहां पे देखो, साइन थीटा यहां पे थीटा इक्वल टू कितना आया है, पाई बाई 3 ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आपको पता है ASTC के हिसाब से इस वाले में, पहले वाले में और दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो पहले वाले क्वाड्रेंट का एंगल तो हम लोगों ने लिख ही दिया है पाई बाई 3, और दूसरे वाले में भी साइन जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। और हमको पता है कि प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 से 360 के बीच में होता है, तो कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने को आएगा तो हमेशा प्रिंसिपल सोल्यूशन हमेशा दो होंगे। एक तो आपने पाई बाई 3 निकाल लिया, दूसरा क्या होगा? तो ध्यान दो, पहले वाले क्वाड्रेंट की वैल्यू निकल गई है, सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव। और साइन पॉजिटिव कब होता है? साइन 180 माइनस थीटा में क्या होता है? साइन थीटा ही होता है, आपको पता है ये चीज, ठीक है। देखो, जितने भी एंगल 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, उसमें साइन या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। और आपको ही पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल आता है वो या तो 90 प्लस थीटा होगा या 180 माइनस थीटा होगा। 90 प्लस थीटा हम लोग ले नहीं सकते, 90 प्लस थीटा हम लोग क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर 90 प्लस थीटा लोगे तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो हम 90 प्लस थीटा नहीं लेंगे, हम लेंगे 180 माइनस थीटा, क्योंकि हमको साइन ही चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि मैंने इसको लिखा यहाँ पे, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन पाई बाई 3 ना, लिख सकते हैं। और इसी साइन पाई बाई 3 किसके बराबर हो जाएगा? साइन पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 लिखो या 180 माइनस 60 लिखो, बात तो वही है ना। अरे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा, ये होता है ना ये चीज। तो ऐसे ही अगर साइन पाई बाई 3 लिख रहे हो तो इस साइन पाई बाई 3 को हम लोग साइन पाई माइनस पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। अरे गधो, देखो साइन थीटा होता है, ठीक है, तो साइन थीटा हो गया साइन 180 माइनस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां से देखो, साइन पाई बाई 3 आया था मेरा, साइन पाई बाई 3 आया था, और इसी को मैंने लिख दिया साइन पाई माइनस पाई बाई 3, मैंने रेडियन में रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो, दो सोल्यूशन मिल जाएंगे हम लोग को, देखो, यानी कि साइन पाई बाई 3 किसके बराबर हो जाएगा? साइन 2 पाई बाई 3 के,
इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 पाई बाय 3 आएगा। पाई बाय 3 60 डिग्री होता है और 2 पाई बाय 3 कितना होता है 120 डिग्री, और दोनों में साइन क्या होगा रूट 3 बाय 2 ही होगा। ठीक है, तो यहां से दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गए हम लोग को, कौन कौन से, एक पाई बाय 3 एंड एक 2 पाई बाय 3, यही दो वैल्यूज होगी किसकी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। ठीक है, यहां पे एसटीसी अप्लाई किया है बेटा मैंने। देखो पहले क्या करना है, जैसे कि sin थीटा इक्वल टू रूट 3 बाय 2 दिया था, तो मैंने क्या किया पहले sin थीटा इक्वल टू sin पाई बाय 3 लिख दिया। ठीक है, अब इसको लो, इसको आपको पता है ना कि sin पाई बाय sin थीटा इक्वल टू sin 180 माइनस थीटा होता है, क्योंकि sin यहां पॉजिटिव आ रहा है, जो sin की वैल्यू दी हुई है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब sin थीटा इक्वल टू sin 180 माइनस थीटा होता है, तो यानी कि sin पाई बाय 3 विल आल्सो इक्वल टू sin पाई माइनस पाई बाय 3, मैंने इसको पाई में लिखा है, रेडियन में लिखा है। ठीक है, तो यानी कि ये sin पाई बाय 3 और इसकी वैल्यू सेम होगी, यानी कि sin पाई बाय 3 इक्वल टू sin पाई माइनस पाई बाय 3, सॉल्व करोगे इसको तो ये तो sin पाई बाय 3 ही होगा और ये हो जाएगा sin 2 पाई बाय 3। अब कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, अब कोई वैल्यू इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि इस वाले में साइन नेगेटिव होता है और इस वाले में भी साइन नेगेटिव होता है, तो पहले और दूसरा क्वाड्रेंट मिला। इसी तरह अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा दो होगा। ठीक है, वो क्वाड्रेंट पर डिपेंड करेगा किस क्वाड्रेंट में है। एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने को आएगा ना आपको, तो वहां पे हमेशा एंगल की दो वैल्यू होगी। समझ में आया, एक और क्वेश्चन बताते हैं जिससे क्लियर होगा आपको। इस बताने से पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपको कि देखो, जब भी साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट में 180 माइनस थीटा रहे या 180 प्लस थीटा रहे, सिमिलरली 360 माइनस थीटा रहे या 360 प्लस थीटा रहे, या इसी को अगर पाई में लिखे तो पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा, अगर इसके साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो वो उसी में रहता है, मतलब कि साइन में है तो साइन में रहेगा, कॉस में है तो कॉस में ही, टेन में है तो टेन में ही। चेंज कब होता है, जब यहाँ पे या तो 90 हो या यहाँ पे 270 हो या 90 का ऑड मल्टीपल हो, ये 180 और 360 हमेशा इवन मल्टीपल होते हैं, इसीलिए अगर इसके साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो वो उसी में रहेगा, चेंज नहीं होगा, बस क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका साइन चेंज होगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा। ठीक है, और ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताया था एक दिन टेबल जो बनवाया था, और मैं इसको सॉल्व करना ही बताया था आपको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना याद रखो कि 180 माइनस समथिंग हो या 180 प्लस समथिंग हो, 360 माइनस समथिंग हो या 360 प्लस समथिंग हो, उसमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई चेंज नहीं आता है, बस उनका साइन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। ओके, तो अब एक और चीज देखते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि मान लो tan x इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3 है, ठीक है, ये है, इसका मुझे क्या बताना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मुझे क्या बताना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा क्या। अभी बताया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 360 के बीच में एंगल होता है, और हमेशा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, तो यानी कि यहां भी x की दो वैल्यू मिलेगी हम लोग को। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, देखो इसको मैं क्या कर सकता हूं, tan x लिखा मैंने, ठीक है, और देखो माइनस में आया है तो माइनस पहले छोड़ दो, इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस टेन पाई बाय 6 लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, चाहे तो आप डिग्री में लिख लो या रेडियन में, मैंने रेडियन में लिख लिया है। ठीक है, आप चाहो तो डिग्री में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बात वही है। ठीक है, अब ध्यान दो, मैं किसमें कर दूं बताओ, आप खुद बताओ मैं किसमें कर दूं, मैं चलो उसमें कर दे रहा हूं, डिग्री में कर दे रहा हूं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो। तो टेन एक्स इक्वल टू, सपोज मैंने इसको लिख लिया माइनस टेन 30 डिग्री, ठीक है लिखा। अच्छा अब एक बात बताओ, माइनस में है ना, माइनस में 10 माइनस किस में होता है, 10 जो होता है वो माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, एक होता है सेकंड में और एक होता है फोर्थ में, होता है ना, 10 जो होता है एक माइनस होता है। देखो एसटीसी अगर अप्लाई करोगे तो यहां 10 माइनस होता है, 10 जो होगा यहां माइनस होगा और यहां माइनस होगा, इन दो जगह 10 माइनस होता है, सेकंड में और फोर्थ में। तो अब देखो मैं कर क्या रहा हूं स्टूडेंट, इसको मैं
अच्छा, अगर सेकंड में है तो सेकंड में किसी एंगल को क्या ले सकते हैं स्टूडेंट? अगर सेकंड में कोई एंगल है, मुझे 10 का 10 ही चाहिए, मुझे 10 का 10 ही चाहिए, बस मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखना है और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है। तो अगर मुझे 10 को 10 में ही चाहिए तो या तो मैं 180 माइनस थीटा लिखूंगा या 180 प्लस थीटा लिखूंगा या 360 माइनस थीटा लिखूंगा या 360 प्लस थीटा लिखूंगा। तो अगर मान लो मुझे सेकंड में लिखना है तो सेकंड में कौन कौन से एंगल होते हैं? एक होता है 90 प्लस थीटा और एक होता है 180 माइनस थीटा। इस फॉर्म में हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि 10 कॉर्ड बदल जाएगा, तो यानी कि इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसी को मैं क्या ले सकता हूं, 10 180 डिग्री और थीटा की जगह यहां कितना है -30। ठीक है, लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर 10 आपको ही पता है कि 10 180 माइनस थीटा इक्वल टू -10 थीटा, ये आपको पता है, 10 180 माइनस थीटा इक्वल टू -10 थीटा पता है ना ये चीज? तो इसी चीज को -10 30 को इस तरह लिख सकते हैं ना, जैसे कि -10 30 था तो इसको मैंने 10 180 माइनस थर्टी लिखा, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो यहां से कितना आया 10 150 डिग्री। ठीक है, कितना आया 10 150 डिग्री पहली वैल्यू, ये 0 से लेकर 360 के बीच में है। ऐसे ही चूंकि 10 नेगेटिव है तो नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को 360 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, 270 वाला लिख नहीं सकते। तो इसी तरह 10x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10x को लिख सकते हैं हम लोग 10 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 10 360 माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा -10 30 डिग्री, इसी के बराबर आएगा। तो यहां से कितना आ गया स्टूडेंट 10 330 डिग्री आया, यहां से आ गया 10 330। तो दो वैल्यू मिली, एक मिली 150 और एक मिली 330। तो थीटा की कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी एक्स की पहली वैल्यू 150 डिग्री, चाहो तो इसको रेडियन में चेंज कर लो, तो जब रेडियन में चेंज करोगे तो 150 इनटू पाई बाय 180। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, ये हो गया 5 पाई बाय 6, पहला वाला एंगल आ गया 5 पाई बाय 6 और दूसरा वाला एंगल 330 डिग्री है, 330 डिग्री को चेंज करोगे तो 330 इनटू पाई अपॉन 180, जीरो से जीरो कट गया तो 11 पाई अपॉन 6। ठीक है, तो दो एंगल मिल गया, एक पाई 5 पाई बाय 6 और एक मिल गया 11 पाई बाय 6। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे तो पहले आप जो भी वैल्यू दी होगी उसकी वैल्यू लिख लेना, अब फिर देखना कि 10 दिया है, cos दिया है कि sin दिया है, और कहां कहां 10 sin cos पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने को आएगा तो आपको दो वैल्यू मिलेगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन को। एक और करके बताते हैं जिससे क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा। देखो एक और करके बताता हूं मैं, जैसे कि मान लो cos x इक्वल टू 1/2, इसका फाइंड, इसका क्या करना है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या फाइंड करना है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा उसमें किसी भी एंगल की वैल्यू 0 से लेकर 360 के बीच में होगी, और जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने को आए तो वहां हमेशा दो वैल्यू मिलेगी। तो पहले इसको सॉल्व करके देख लो क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे cos x इक्वल टू 1/2 है तो ये होता है cos 60 डिग्री के बराबर, होता है cos 60 डिग्री के बराबर होता है। तो एक एंगल तो मिल गया ना, अब दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए क्या करोगे, देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान दो, ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि cos x किसके बराबर है 1/2 के, इसको देख के लग रहा है कि जो cos x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है क्योंकि cos x इक्वल टू 1/2 आया है। ठीक है, अब cos कहां कहां पॉजिटिव होता है बताओ मुझे, cos कहां कहां पॉजिटिव होता है, जब आप ASTC बनाओगे तो cos पहले में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट का तो एंगल आ गया 60 डिग्री, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या ले सकते हैं, इस 60 को क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, इस 60 को एक और तरीके से ले सकते हैं ना, cos 60 को क्या ले सकते हैं, cos 360 माइनस 60 लिख सकते हैं,
क्योंकि cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। देखो पहले वाले में तो एंगल हम लोगों ने लिख दिया cos 60, अब cos दिया हुआ है और cos की वैल्यू पॉजिटिव है तो या तो पहले में होगा या तो चौथे में होगा, तो पहले वाले का तो निकाल लिए। चौथे में दो तरह के एंगल होते हैं, एक होता है 270 प्लस थीटा और एक होता है 360 माइनस थीटा। ये वाला ले नहीं सकते क्योंकि ये वाला लोगे तो cos sin में चेंज हो जाएगा और हमको वही चाहिए जिससे चेंज ना हो, तो 360 माइनस थीटा ले सकते हैं। तो यानी कि थीटा यहाँ पे कितना है, देखो cos 60 इज इक्वल टू cos 360 माइनस 60 ले सकते हैं ना इसको, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहां से देखो, यहां से आप देखिए कि cos x विल बी इक्वल टू cos 60 विल बी इक्वल टू cos 300 डिग्री होगा स्टूडेंट, होगा ये क्योंकि cos थीटा इक्वल टू cos 360 माइनस थीटा। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए थे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने होते हैं, दो होते हैं, तो पहला तो पहले वाले क्वाड्रेंट में मिल गया, दूसरा कैसे मिलेगा, दूसरा मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को कैसे लिखते हैं, 360 माइनस 360 माइनस थीटा, थीटा यहां 60 है तो 360 माइनस 60 देख लो वही चीज होगा। आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1/2 ही आएगी। तो यहां से x की वैल्यू क्या क्या मिली, एक मिली 60 डिग्री जिसको बोलते हैं पाई बाई 3, और एक मिली x की वैल्यू 300 डिग्री जिसको बोलते हैं 300 को क्या बोलोगे आप, इसको अगर चेंज कर दो तो 3 इंटू पाई बाई 180 जीरो जीरो 5/3π। तो पहला मिला पाई बाई 3, दूसरा मिला 5π/3। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिकल है। एक बार और मैं बता देता हूं आपको ताकि आप को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक और बताते हैं आपको, एक मैं अपने साथ को दे रहा हूं। जैसे मान लो ऐसा आपको मिल जाए, मान लो आपको मिल गया 10x इक्वल टू रूट 3, 10x इक्वल टू रूट 3, इसके आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताने हैं, राइट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो पहला काम क्या है कि जो भी 10 की x की वैल्यू रूट 3 है, आपको ही बताया कि 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 10 के किस वैल्यू में रूट 3 आता है, तो 10 के 60 डिग्री में रूट 3 आता है। ठीक है, अब चूंकि 10x इक्वल टू रूट 3 दिया हुआ है, मतलब कि 10x की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है। ठीक है, 10x कितना है, पॉजिटिव है। अब आप ASCII का चार्ट बनाओ, 10 पॉजिटिव किसमें होता है, 10 पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में, होता है फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में होता है। थर्ड में किसी भी एंगल को क्या लिखते हैं, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। ये वाला लेंगे नहीं क्योंकि 270 में चेंज हो जाता है, हमको वही लेना है जिसमें चेंज ना हो। 10 है तो 10 ही रहे, मतलब कि जो दिया हुआ है वही रहे। तो हमको पता है ना कि 10 थीटा इक्वल टू 10 180 प्लस थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि 10 180 प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 1060 को क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, 1060 को अगर लिखना हो तो ये जो 10x इधर रहेगा ही, 1060 को, अब यहां पे 60 है ना, 60 को थीटा मान लो, तो 1060 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 180 प्लस 60 हो जाएगा ना इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10 180 प्लस थीटा, तो 1060 विल आल्सो इक्वल टू 10 180 प्लस 60। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो होते हैं, एक तो हम लोगों ने पहले क्वाड्रेंट में निकाल लिया और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, पाई प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा, तो यही आ गया। तो यानी कि 10x इक्वल टू 1060 इज इक्वल टू 10 240। ठीक है, तो यहां पे x की दो वैल्यू मिलेगी, जब इन दोनों को इक्वेट करोगे आप तो x इक्वल टू 60 मिलेगा जो कि पाई बाई 3 के बराबर होगा, और जब इन दोनों को इक्वेट करोगे आप तो x इक्वल टू 240 डिग्री मिलेगा, और 240 को जब रेडियन में चेंज करोगे तो 240 इंटू पाई अपॉन 180
जीरो से जीरो कट गया, यानी कि 4/3 पाई। तो इसके जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे वो पाई बाई थ्री और 4π/3 होंगे, ठीक है। तो ये है सारे मेथड स्टूडेंट, मुझे समझाने में काफी टाइम लग गया, बस यही है। अब बाकी ये तो था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अब मैं लिख रहा हूं आपको जनरल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग है, इसी में हेडिंग है जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके। जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कितने सॉल्यूशन होंगे तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। और क्यों होंगे? क्योंकि सारे पीरियोडिक होते हैं, एक वैल्यू के बाद अपने आप को रिपीट करने लगते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर पहला केस क्या है, देखो पहला केस क्या है, इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, अगर कुछ ऐसा दिया है क्वेश्चन में, इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, जहां पर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, ठीक है, देन जनरल सॉल्यूशन given by x equal to n pi plus minus 1 to power n y, where n is integer, z को integer बोलते हैं, ठीक है, where n is integer, n belongs to z का क्या मतलब है कि n क्या है integer, मतलब कि अगर कोई function sin x equal to sin y की तरह हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन यानी कि x क्या होगा, एन वाई प्लस माइनस 1 टू पावर एन वाई, ये होगा, ठीक है। अब कहोगे ये आया कैसे, तो इसका प्रूफ देखो आया कैसे, ये जनरल सॉल्यूशन है, अगर ऐसा है तो x इक्वल टू ये वैल्यू होगी। जैसे कि मान लो कि अगर साइन x इक्वल टू आ रहा है आपका साइन 60 डिग्री, या इसको आप ऐसे ले सकते हो साइन x इक्वल टू साइन पाई बाई 3 आ रहा है मान लो, तो इसका जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n, और इस y की जगह क्या है पाई बाई 3, ये होगा इसका जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो जनरल सॉल्यूशन के अंदर ही आता है, ठीक है, मतलब कि जनरल सॉल्यूशन में सारे आते हैं और प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसका एक सब पार्ट है, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, अभी क्लियर होगा आपको। अब देखो ये आया कैसे, तो इसका प्रूफ देखो कैसे आया, प्रूफ देखो इसका, देखो साइन एक्स ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लो तो दिया है ना कि साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, आप एक काम करो इसको इधर लेते जाओ तो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो ये साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला है, ये देखो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला है, तो मैंने आपको पिछले पार्ट ने बताया था कि साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी बाई 2, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से तो आएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, ये आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, आप देख लेना, ये साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, 2 तो इसके बराबर होगा नहीं 0 के बराबर, इसका मतलब यहाँ पे 3 नंबर है, तीनों नंबर का प्रोडक्ट, पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है cos x plus y by 2, तीसरा नंबर है sin x minus y by 2, इन तीनों का प्रोडक्ट कब 0 होगा, ये 2 तो कभी 0 नहीं होगा, तो इसका ये मतलब है या तो ये इसके बराबर 0 के बराबर होगा या तो ये इसके बराबर होगा। अरे जैसे आप नहीं करते थे कि x minus 2 and x minus 3,
इक्वल टू जीरो, तो क्या कर देते, पहले इसको जीरो के बराबर पुट कर देते और फिर इसको जीरो के बराबर पुट करते थे, वही चीज यहां भी करनी है। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं, क्या कहेंगे हम लोग, देखो क्या कर रहे हैं, पहले कि मान लो cos x plus y by 2 equal to 0, मान लिया मैंने कि cos x plus y किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, तो cos किसी भी cos x 0 कब होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर cos theta equal to 0 है तो, या cos x equal to 0 है तो x 0 कब होगा, कब 0 होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2n plus 1 pi by 2, जब x पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल हो। पार्ट 7 में मैंने ये चीज बताया था कि अगर cos x इक्वल टू 0 है तो कब 0 होगा, जब x क्या होगा, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल। तो वही चीज यहां भी करेंगे, तो इसको ले सकते हैं कि ये 0 तभी होगा जब x प्लस y बाई टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल हो। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, या x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, ये हो गया सपोज 1। ऐसे ही ये तो पहले था, अब ये भी किसके बराबर होगा, 0 के, या तो ये 0 के बराबर होगा या सेकेंड वाला पार्ट 0 के बराबर होगा। तो और साइन x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू 0। अच्छा, साइन x 0 कब होता था, साइन x इक्वल टू अगर 0 है तो यानी कि x जब पाई का मल्टीपल होगा, पाई का जब इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो साइन 0 होता है। आपको मैंने बताया था कि अगर साइन x इक्वल टू 0 है तो x क्या होता है, इज अ मल्टीपल ऑफ पाई, ये बताया था मैंने। तो ऐसे ही ये करोगे तो यहां से क्या आएगा, x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू एन पाई। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू आएगा 2n पाई प्लस y, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अब ध्यान दो स्टूडेंट, जब cos x plus y by 2 इक्वल टू 0 था तो x की वैल्यू किसके बराबर है, इसके, और जब sin x minus y by 2 इक्वल टू 0 था तो x की वैल्यू इसके बराबर आई। अब ध्यान दो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n प्लस 1 y, समझना इस चीज को, और ये तो है ही है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस y, ये तो है ही। ठीक है, अब ध्यान दो, ये 2n प्लस 1 हमेशा ऑड होगा, 2n प्लस 1 हमेशा ऑड होता है, अगर n एक इंटीजर है तो 2n प्लस 1 हमेशा ऑड होगा, आपको पता है ये चीजें, किसी भी ऑड नंबर को 2n प्लस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये वाला हमेशा ऑड होगा। और ये देखो, अगर n ऑड होगा स्टूडेंट, यहां पे 2n प्लस 1 होगा, सॉरी देखो, और इसको मैंने क्या लिख दिया, सुनो, यहां पे मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख दिया माइनस 1 टू पावर 2ny, ध्यान देना, देखो यहां पे इसके पाई के आगे ऑड था और यहां पे y के आगे जो इसका पावर है वो ऑड है, तो जब ये ऑड होगा तो ये हमेशा माइनस वन की वैल्यू माइनस वन ही आएगी। नेगेटिव नंबर का कभी भी जब ऑड पावर होता है तो वो हमेशा नेगेटिव ही आता है। तो जब इसको मैंने देखा कि ये 2n प्लस 1 है और ये माइनस वाई है, ये तो हमेशा माइनस वाई रहेगा, कब, जब माइनस वन का पावर क्या हो, ऑड। और यहां पे देखो, पाई के आगे 2n है मतलब कि इवन नंबर, और माइनस वन टू पावर 2n यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये आ गया 2n पाई प्लस वाई। इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे ना तो यही आएगा, बाई कंबाइनिंग बोथ तो x इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस माइनस वन टू पावर n y, यही आएगा। अब आप सोचोगे सर आया कैसे ये चीज, n यहां पर क्या है, क्वेश्चन में देखो n क्या है, यहां पर इंटीजर, n जो है वो क्या है, इंटीजर। अगर इंटीजर है तो इंटीजर इवन भी हो सकता है, इंटीजर ऑड भी हो सकता है, तो जब इवन लोगे तो n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2m के। मान लो आपको ये फॉर्मूला है, n तो इंटीजर है, यहां पर n क्या है, इंटीजर है, ठीक है,
जब एन यहां पर इंटीजर है तो एक बात बताओ, तो इंटीजर लोगे तो एन की वैल्यू इवन भी हो सकती है, एन की वैल्यू ऑड भी हो सकती है। तो एन की वैल्यू जब इवन होगी तो वो 2m टाइप का होगा, तो अगर n की वैल्यू यहाँ पर 2m रखोगे तो यहाँ पर 2m पाई और यहाँ पे प्लस y आएगा जो कि इस टाइप का होगा। सिमिलरली जब n की वैल्यू ऑड पुट करोगे यानी कि 2n प्लस 1 टाइप का पुट करोगे तो ये वाला केस आ जाएगा। आप पुट करके देख लो, यही दोनों आएगा। इवन पुट करोगे तो ये वाला आएगा, ऑड पुट करोगे तो ये वाला आएगा, और इन्हीं को जब कंबाइन कर दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला यही है, बेसिक फॉर्मूला यही है, आपको बस ये याद करना है जनरल फॉर्म के लिए। ये तो प्रूफ है, समझ में आया होगा तो ठीक, नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये जितने भी चीजें मैंने ये चीज लिखा है ये सब पहले मैं बता चुका हूँ। कॉस एक्स तभी जीरो होता है जब एक्स पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल हो, साइन एक्स तभी जीरो होता है जब एक्स पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। पीछे की क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा। इसको और इसको आपको अगर समझ में नहीं आया कैसे कंबाइन किया गया है तो ये फॉर्मूला देख लो। इस फॉर्मूला में जब n इवन होगा तो n की वैल्यू 2m होगा, वो पुट कर दोगे तो ये वाला केस आ जाएगा, और जब n की वैल्यू ऑड पुट कर दोगे तो पहला वाला केस आ जाएगा। ये सब ये दोनों एक ही केस है, बस एक इवन में है और एक ऑड में है, ये ऑड में है और ये इवन में है। तो ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। एक और बता देता हूं मैं, ये पहला फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, अगर इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, ये सारे प्रूफ है इसके, ठीक है। चलो एक बार बुक से भी जाना, बुक में कैसे किया हुआ है, बुक पढ़ते रहना चाहिए। पहला हो गया, दूसरा देखिए, इफ cos x इक्वल टू cos y वेयर x एंड y आर रियल नंबर देन जनरल सॉल्यूशंस आर गिवन बाय x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। ये होगा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका भी प्रूफ सिंपल ही है, प्रूफ देख लो इसका जल्दी से। प्रूफ क्योंकि दिया हुआ है कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, इसको इधर ले आओ तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू जीरो। तो इसको जब कॉस ए माइनस कॉस बी के फॉर्मूले में ब्रेक करोगे तो ये आएगा माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू एंड साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू जीरो। ये माइनस टू टू जीरो के बराबर होगा नहीं, तो ये दोनों बारी बारी से जीरो के बराबर होंगे। पहला क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, पहले ये जीरो के बराबर आएगा और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू जीरो के बराबर आएगा। पहले ये जीरो के बराबर आएगा, फिर और करके दूसरा वाला जीरो के बराबर आएगा। तो देखो साइन, इसको एक एंगल मान लो थीटा, तो साइन थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो इसके लिए आ सकते हैं एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू एन पाई, और इसके लिए आ सकते हैं एक्स माइनस वाई बाई टू एन पाई। दोनों चीज सेम ही है, दोनों में साइन की वैल्यू जीरो के बराबर है, तो यानी कि थीटा जो होगा या ये एंगल होगा वो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू आएगा 2n पाई माइनस वाई, और यहां से एक्स इक्वल टू आएगा 2n पाई प्लस वाई। तो देखो एक जगह 2n पाई माइनस वाई आ रहा है और एक जगह आ रहा है 2n पाई प्लस वाई। इन दोनों को जब कंबाइन करोगे आप, इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू, दोनों केस में 2n पाई तो है ही, 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देख लो जब पहले प्लस लोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी और जब माइनस लोगे तो ये वाली आएगी, तो जब दोनों को कंबाइन करोगे तो यही ना आएगा। तो ये हो गया कॉस के केस में, ठीक है। एक और बचा है टेन का, वो बता देते हैं, उसके बाद कल एक्सरसाइज किया जाएगा।
चलिए आई होप आप लोगों कर लिया होगा, तो लास्ट कर लेते हैं एक बार। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखो। ऐसे ही टेन एक्स जीरो कब होता है? टेन एक्स जीरो तब होता है जब एक्स क्या हो, पाई का इवन मल्टीपल। ठीक है, ये याद रखना। साइन और कॉस का तो बताया था, टेन का भी याद रखो। तो अब देखो थर्ड केस। थर्ड केस, इफ टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई, जहां पर एक्स और वाई रियल नंबर है, देन जनरल सॉल्यूशंस आर गिवन एज एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब इसका भी प्रूफ देख लो। टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई दिया हुआ है ये, तो इसको एक काम करो आप, साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो गया साइन वाई अपॉन कॉस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई इक्वल टू साइन वाई कॉस एक्स। इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई इक्वल टू जीरो। ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, और ए की जगह पे यहाँ पे एक्स है, बी की जगह पे वाई है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब साइन थीटा इक्वल टू जीरो कब होता है? जब थीटा पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो यहां से हम क्या सकते हैं, एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू एन पाई, तो एक्स विल बी इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आया? ये जो मैं लिख रहा हूं ना, देखो साइन थीटा इक्वल टू जीरो, साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है? जब थीटा पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है? जब थीटा पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल होता है। ये सब चीजें पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगी तो नहीं कर पाओगे कुछ भी। समझ में आया? तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके, कल एक दिन और लगेगा इस चैप्टर को फिनिश करने में। उसके बाद पहले आप जो भी आज बताए हैं कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन हमेशा दो होते हैं और हमेशा जीरो से 360 के बीच में लाई करते हैं, और जनरल सोल्यूशन को इस फॉर्मूले के हिसाब से निकाला जाता है साइन कॉस और टेन के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 बचा हुआ है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज जो भी पढ़ाया गया है उसको आप इस नोट से भी और बुक से भी देख के एक बार समझिएगा। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.4। सो टिल देन स्टूडेंट हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।